अगर आपके पास फोन करके कोई धमकी दे या फिर कुछ भी गलत बोले तो हम उस नंबर की पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं। उसके बाद पुलिस उस नंबर को ट्रेसिंग पे डाल देती है, उसके ओनर का पता करती है, व्हाटएवर। लेकिन इंटरनेट यानी कि ऑडियो कॉल पे अगर कोई ऐसा करता है तो क्या पुलिस उसे ट्रेस कर सकती है या फिर वो कितनी सेफ या अनसेफ है किसी की आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए? बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है, तो चलो अभी के अभी से समझते हैं। देखो वैसे तो बहुत सारी चैटिंग एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू हम बिना सिम कार्ड यानी कि सिर्फ इंटरनेट की हेल्प से ही ऑडियो कॉल कर सकते हैं। इनफैक्ट इंटरनेट से ही एक पर्सन दूसरे के फोन या लैंडलाइन पे भी कॉल कर सकता है जिसमें यूज होती है VoIP टेक्नोलॉजी। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग जनरली व्हाट्सएप को यूज करते हैं एंड इसी के जरिए ऑडियो कॉल पे भी बातें करते हैं। तो व्हाट्सएप का क्या फंडा है? देखो व्हाट्सएप का कहना है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे मैसेजेस एंड ऑडियो वीडियो सब इनक्रिप्टेड है, यानी कि दो यूजर्स के बीच में जो भी बातें या फिर डेटा ट्रांसमिट होता है उसे कोई भी रीड या फिर एक्सेस नहीं कर सकता और ना ही व्हाट्सएप खुद इस डेटा को स्टोर करता है। जब तक, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, कि जब तक कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन ना हो लाइक क्राइम या फिर कोई भी इमरजेंसी, मतलब कि CBI जांच या फिर पुलिस की मांग पे व्हाट्सएप आपके डेटा को स्टोर या फिर शेयर भी कर सकता है। जैसे अगर आपको याद हो सुशांत के केस के बाद कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का व्हाट्सएप डेटा, चैट्स वगैरह खंगाली गई थी और पब्लिक के सामने भी लाई गई थी। अब ऑडियो कॉल्स की रिकॉर्डिंग शायद पब्लिकली ना आई हो लेकिन पुलिस को तो व्हाट्सएप ने सारा डेटा सौंपा ही होगा जो भी था, ठीक है। अब यहां से दो सवाल खड़े होते हैं। पहला कि अगर मैसेजेस पे कोई भी किसी को धमकी देता है या कुछ भी गलत बोलता है तो क्या उसे कोर्ट में सबूत के तौर पे पेश किया जा सकता है? तो जवाब है हाँ, एक लैब टेस्ट करने के बाद कि उस चैट के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना की गई हो। लेकिन उसे क्रिमिनल साबित करने के लिए और भी सबूत पेश करने होंगे। ये चैट्स या फिर स्क्रीनशॉट्स इनफ नहीं है, बिकॉज ऐसा तो आपका फोन लेके कोई भी कर सकता है ना। दूसरा सवाल कि जब पुलिस व्हाट्सएप से किसी भी यूजर का डेटा मांगती है तो एक तरह से उस टाइम तक तो क्राइम ऑलरेडी हो चुका होता है, तो व्हाट्सएप उस यूजर का पुराना डेटा निकाल के कैसे दे देती है? जबकि वो तो बोलते हैं कि हम किसी भी यूजर का डेटा स्टोर ही नहीं करते। कुछ गेम समझ में आया? यहाँ सब गोलमाल है बॉस। लेकिन हाँ एक बात तो है, रियलिटी के बेस पे जो हमें अपने आसपास भी दिखाई देती है कि नॉर्मल फोन कॉल करके अगर कोई भी कुछ गलत एक्टिविटी करता है तो पुलिस उस पे एक्शन ले लेती है, उसे ट्रेस करती है, उसके ओनर को फाइंड आउट करती है। लेकिन व्हाट्सएप पे या फिर किसी ऑडियो कॉल के थ्रू अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो पुलिस उस पे इतना ध्यान नहीं देती जब तक कि वो मैटर बहुत ज्यादा सीरियस ना हो। यू नो व्हाट आई फील, ये डेटा स्टोर तो करते हैं यार, वरना इतने पैसों में खरीद के इसकी फ्री सर्विस हमें क्यों दे रहे हैं? एंड साथ के साथ इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, तो पैसा कहां से कमाते हैं? ऑब्वियसली हमारे डेटा से, राइट? फिर चाहे वो हमारे डेटा को फेसबुक या इंस्टाग्राम के लिए यूज करें या किसी थर्ड पार्टी को बेचें, लेकिन घपला तो करते हैं। इनफैक्ट मैक्सिमम एप्लीकेशंस एंड वेबसाइट्स जो भी हमें फ्री सर्विस देती हैं, अर्निंग सोर्स क्या है हमारा बताओ कमेंट करके। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय।